हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एंड वीडियो में चल में का फिर से। दोस्तों आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सीटा एमुलेटर का जो न्यू अपडेट आया है मैं दोस्तों आपको उसके बारे में थोड़ी न्यूज़ और उसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ टू गेम के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि तो एक भाई की हमें कमेंट आई थी कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो भी अच्छी बनेगी वीडियो। तो दोस्तों इसी बात पर मैंने पोल रखा है कि आप कैमरे थ्रू वीडियो जाते हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो ठीक है दोस्तों, उसे जरूर बताना हमें, उसके थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचाना। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने जिसके सीट एमुलेटर डाउनलोड कर लिया है, अभी 8 आवर्स पहले ही रिलीज़ हुआ है यहाँ पर, दिस रिलीज़ 8 आवर्स एगो। ओके, तो एक बंदे ने कमेंट भी करी, उसे हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, वेटिंग फॉर ऑफिशियल एंड्रॉयड वर्जन फ्रॉम सीटा एमुलेटर। सीटा टीम की तरफ से हम वेट कर रहे हैं कि कब ऑफिशियल वर्जन आएगा एंड्रॉयड के लिए। तो अच्छी बात है दोस्तों, अभी तक ये आया नहीं है लेकिन वेट करना ही पड़ेगा हमें वो। तो दोस्तों मैंने अपडेट कर लिया है सीटा एमुलेटर, कुछ ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें, जैसे कि उन्होंने डिस्क्राइब भी नहीं करा है। कुछ फिक्स हैं दोस्तों इसमें, तो मैं आपको सब मैंने सेटिंग वेटिंग करके देख लिया, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, सब दिखला देता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया है दोस्तों, तो लूगी मैंसन चला के देखते हैं दोस्तों पहले, क्योंकि इसमें एक टेक्सचर बग है जिससे टेक्सचर गायब हो जाते हैं और आते नहीं हैं, मतलब शो नहीं करते हमें। और दूसरा है कि टेक्सचर आ भी जाते हैं तो बहुत हिलते रहते हैं, वो डिस्पोस्टिंग होती है उनकी, तो एक तरह से ये वाला टेक्सचर का दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस गेम को ऑन कर लिया है, अब देखते हैं गेम कैसे परफॉर्म करती है, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट आता है ही नहीं। तो यहाँ से थोड़ी स्टॉप हो जाती है और फिर उसके बाद प्रोसेस होगी। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा दोस्तों सपोर्ट दीजिए अपना, क्योंकि दोस्तों मेरे को अभी बहुत सपोर्ट की जरूरत है, अभी मैं न्यू यूट्यूबर हुए थे से, मेरा भी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, एक आपके सब्सक्राइब से मेरे थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको गेम से रिलेटेड वीडियो पसंद है, एमुलेटर से रिलेटेड वीडियो पसंद है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक पे पोस्ट करिए ताकि जिन्हें भी इसकी वीडियो की जरूरत हो वो देख सके। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी बात है, आपके यहाँ टेक्स्चर आ गए हैं पहले स्टार्ट में ही। दोस्तों यहाँ पर टेक्स्चर आ तो गए हैं लेकिन वही सेम प्रॉब्लम है पहले ऐसी डिस्पोस्टिंग की, यानी कि इसमें कोई इम्प्रूव नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसे हटा के लगाऊंगा, बैक करके फिर से ओपन करूंगा गेम को, तो फिर सेम प्रॉब्लम आएगी, टेक्सचर गायब हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों फिर से लेग हो गई है, यहाँ पर लेग रहेगी, फिर उसके बाद दो कौए बैठे होंगे उन्हें दिखलाएंगे हमें ये, और फिर उसके बाद गेम वर्क करेगी। तो यहाँ पर सेम प्रॉब्लम है, इस गेम को बैक कर देते हैं। अब सुपर मारियो ब्रूस 2 चलाते हैं दोस्तों, देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। दोस्तों इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ 2D चीज़ें हैं पीछे बैकग्राउंड में, ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं है मेरे ख्याल से इस गेम में, इस वजह से थोड़ी इसमें परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी गेम शुरू हो गई है और बहुत ही लेग हो रही है यहाँ पर। और दोस्तों इस एमुलेटर में अभी तक सेव लोड का भी ऑप्शन नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको आगे का दिखा सकता हूँ जहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है या फिर ख़राब आ रही है या फिर कई गेम क्रैश हो जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पर सेव लोड का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए दोस्तों मुझे माफ़ करना। जितनी में हो सकता है दोस्तों आपको उतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपनी वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर अपनी गेम ऐसी चलिए, कबूतर उड़ गए यहाँ से। ये दोस्तों गेम थोड़ी सुपर मारियो लूगी मैंसन से अच्छी चलती है गेम थोड़ी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेक्सचर की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें 2D चीज़ें भी दे रखी हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं दोस्तों इसमें। बाय बाय कर रहे हैं लूगी और मारियो, अल्लू मारियो भाग गया। तो दोस्तों
बहुत बेहतरीन गेम है ये भी सुपर मारियो ब्रॉस 2। अगर आपने खेली होगी तो जरूर आपको बताऊंगी, लेकिन दोस्तों ये अभी हम नहीं खेल सकते तो बड़ी अफसोस की बात है ये। तो ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है इस गेम में, ये अच्छी बात है। तो अगर आपको उन्हें सपोर्ट करना है जिन्होंने ये एमुलेटर बनाया है MMJ, तो आप उन्हें जाके सपोर्ट कर सकते हैं गेटहुड वेबसाइट पे आके सर्च करके उन्हें। मैंने आपको लिंक भी दे दिया उनका, तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जैसे आप उनकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। और मेरे को तो आप सब्सक्राइब करके ही सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक भी करिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर से नीचे वाला आ जाता सीन। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से अपनी वीडियो में इम्प्रूव करने के लिए, तो ज़रूर आप पोल को ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से अब अपनी विलेन की एंट्री होती है यहाँ पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका क्योंकि गेम बहुत ही बेकार चल रही है, बहुत ही बैड परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ पर गेम, जबकि यहाँ पर 2D थिंग्स बहुत सारे हैं, लेकिन बट ऑब्जेक्ट्स 2D होने के बाद भी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे, सभी से, ठीक है, बाय बाय।